और जनता वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ चुका हूँ पबजी की दुनिया में। मैंने सुना कि पबजी का अपडेट आया है और काफी सारे चेंजेस हुए, तो चलो देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहला मैं बता दूं कि लॉबी भाई चेंज हो गई अपनी, और दिखाता हूँ आपको कुछ नया। 3, 2, 1 गो। ये देखो यहाँ पे आप विंस देख सकते हो, आपकी टॉप 10 में कितने बार आए हो, केडी रेशियो भाई साहब मजा आ गया यार, देख के मजा आ गया, इतना चेंजेस लाया ये लोग ने। चलो अंदर जाके देखते हैं, कोई क्लासिक का मैप खेलता हूँ और देखता हूँ क्या क्या चेंजेस लाए ये लोगों ने। मैं आ चुका हूँ पबजी की दुनिया में काफी टाइम बाद। ओ, स्कूल का कलर भी चेंज हो गया यहाँ पे भाई, पहले ऐसा नहीं था ये। ओ भाई साहब पूरा ही चेंज कर लिया लिटरली। माय गॉड, अंदर से भी चेंज हुआ है भाई, और हाइट कम हो गई ऐसा लग रहा है। ये पहले यहाँ पे नहीं था, ये बेंच नहीं था, डिटेलिंग पे ध्यान दिया भाई ये लोग ने। ये पहले ऐसा कभी नहीं था, इसमें भी काफी चेंजेस कर दिया ये लोगों ने पबजी वालों ने, और बड़ा बना दिया थोड़ा और। और यहाँ से ओहो, यहाँ पे बेंचेस ये नहीं थे पहले। भाई साहब कितने डिटेल में काम किया बे। ओहो ये बड़ा हो गया, पहले ये छोटा था। ओह माय गॉड, यहाँ पे हरियाली ला दी, पूरा सीनरी ला दिया यहाँ पे। हाँ देखते हैं अभी अपार्टमेंट्स में क्या चेंजेस किए ये लोगों ने। ओके, ये पहले हमेशा पिंक हुआ करता था, अभी इसको भी एकदम रियलिस्टिक कलर दे दिया। ये ईंटें दिख रही है मुझे, ईंटें ऐसा लग रहा है एक रियल घर है, रियल होता है ना घर। ओहो अंदर देखो भाई साहब, ये क्या है, ये क्या है, ये लोग ने फ्रेम भी दिया है पबजी वालों का, वेरी नाइस। हाँ ये घर का कलर देखो, इतना डिटेलिंग पे ध्यान दिया यार। यहाँ पे ईट का कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, यहाँ पे कुछ कलर नहीं, ओहो पिंक कलर कर दिया इसको। अपार्टमेंट्स का पूरा हुलिया ही बदल दिया भाई साहब, अबे क्या हरियाली भर दिया अबे पबजी की दुनिया में, सही लग रहा है। और ये ट्री का कलर देखो, वाओ मैन, ये बस तो यहाँ पे डैम शॉर नहीं थी, ये तो नहीं थी, ये दोनों तो नहीं था यहाँ पे। हर वो जगह जाएंगे अपन जहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस आया। ओहो अंदर देखो, इसके अंदर देखो, पहले ये सब कभी नहीं था। लाइटिंग भी लगा दिया भाई साहब पबजी की दुनिया वालों ने, लाइटिंग भी लगा दिया घर के अंदर। ये क्या प्रमोशन बोर्ड, अच्छा इसमें ये लोग प्रमोशन करेंगे क्या, गेम के अंदर भी ये लोग प्रमोशन करेंगे आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होने वाला है। स्कूल में तो काफी सारे चेंजेस आए, अपार्टमेंट्स में भी काफी सारे चेंजेस आए, लेट्स सी रोजॉक में कितने आए। मैं रोजॉक जा रहा हूँ फिलहाल तो। ओहो ओहो क्या कलर कर दिया यार, क्या कलर कर दिया, देख के ही मजा आ गया। आई लव दिस यार, आई लव दिस, ऐसा लग रहा है कोई आर्टिस्ट ने बनाया इसको। जाली लग गई है भाई यहाँ पे, पहले कभी जाली नहीं थी ये दुनिया में, अभी कोई गाड़ी आर पार जा नहीं सकती आएगी। देखिए मैं अभी आ चुका हूँ कोचिंग की में देख रहा हूँ, ये लोग ने पूरा घर का कलर ही चेंज कर दिया, मतलब ए टू जेड कलर चेंज हो गया यहाँ पे। मैं अभी घर के अंदर जाके देखता हूँ और क्या क्या चेंजेस किए ये लोग ने। ये तिजोरियां यहाँ पे नहीं थी, लॉकर रूम यहाँ पे नहीं था, ये भी आ गया है। डिटेलिंग पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि पबजी वालों ने डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया है। पहले तो सीडी इतनी छोटी नहीं थी, बड़ी थी, अभी छोटी कर दी। और प्लस ये लोग ने ये भी ऐड कर दिया ये पकड़ने के लिए इसमें, ये पहले पत्थर यहाँ पे थे ही नहीं, आई एम डैम श्योर। मुझे एक बात अच्छी लगी, पबजी वालों ने काफी सारे ऑब्स्टिकल दे दिए बीच बीच में, सो दैट अपन कवर लेके मार सके। वो अलग बात है, मैं कभी कवर नहीं लेता था क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि मैं वन मैन आर्मी हूँ, मेरे को गोली लगती ही नहीं है। जनता मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने एक नई चीज नोटिस की है पबजी की दुनिया में। अभी से हर घर के बाहर एक नेम प्लेट है और नंबर प्लेट है, देखना ये यहाँ पे नंबर प्लेट है, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। ये रहेगा मिल्क रोड लिखा यहाँ पे, ये नेम प्लेट है। ये चेंजेस नोटिस किया मैंने डिटेल में, देखो मैं डिटेल में देख रहा हूँ एकदम। मैं अभी आ चुका प्रिजन में, और प्रिजन में सबसे पहली बात मैंने नोटिस की कि ये टावर चेंज हो चुके हैं भाई, पहले ये टावर ऐसे नहीं थे। अभी आई हैव नो आइडिया मैं अंदर जा भी सकता हूँ कि नहीं, बंद कर दिया है टावर का रास्ता ऊपर जाने का। यार ये क्या है, ऐसा क्यों किया यार पबजी वालों, अभी ऊपर जाके कैसे कैम करेंगे हम लोग। और टावर को पूरा पैक कर दिया यहाँ से, पहली बात तो हम लोग ऊपर जाए तो जाए कैसे। ओके ये तो नहीं खुल रहा भाई साहब, यहाँ पे अभी बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं अपन, यहाँ पे ऑडियंस बैठ सकती है, स्पेक्टेट कर सकती है हमें, हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये कंटेनर की साइज बहुत ही छोटी कर दी यार, इतना छोटा क्यों किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया यार प्रिजन का, पहले तो ये वॉले लगा दी यहाँ पे, हाँ फिर टावर को पूरा पैक कर दिया लिटरली, और फिर ये कंटेनर का जो बॉक्स था यहाँ पे पूरा कलर चेंज, इंटीरियर चेंज, अंदर से इनसाइड भी चेंज, अंदर बक्से लगा दिए बड़े बड़े वो भी वुडन, और ऊपर भी जा सकते हैं, वाह वेरी नाइस। अबे ऊपर भी जा सकते हैं क्या, वो हाइट भी छोटी कर दी है, वेरी नाइस यार ये सही लगा मुझे, और ऊपर स्पेस कर दिया है। सही है बे, वो और माउंटेन पे भी डिटेलिंग लग रहा है मेरे को, पहले ऐसा नहीं था माउंटेन। रोड को छोटा कर दिया बे, ये रोड काफी छोटा हो गया, पहले बड़ा था ये रोड। वो तेरी ये गेट भी कितना बड़ा लग रहा है बे, एकदम जायंट लग रहा है, इसके सामने बौना लग रहा हूँ मैं, साला क्या बनाया बे ये लोग ने, डेवलपर मानना पड़ेगा तुम लोग को, सही बना दिया, सही काम कर दिया। मैं आ चुका हूँ अभी फेरी पियर में, ऐसा लग रहा है मैं गोवा में आ चुका हूँ। काफी सारे बीच के यहाँ पे आसपास देखो ऑब्स्टिकल, और ये टैंक है यहाँ पे भाई साहब, टैंक गिरी है यहाँ पे, मतलब इसके अंदर तो जा नहीं सकता हूँ मैं, एनिमीज से बचने के लिए ठीक है, मतलब ये खाली आर्टिफिशियल टैंक है, इसके अंदर तो कुछ कर नहीं सकता, और ये सब ऑब्स्टिकल यहाँ पे डाल दिया है। ओहो हो हो, ये क्या है भाई साहब, एक सीक्रेट रूम मिल चुका है मुझे, इसके अंदर जा सकता हूँ क्या मैं, नहीं भाई ओपनिंग तो नहीं है इसकी, कहाँ से जा सकते इसके अंदर, कोई ना कोई ग्लिच मिले तो मैं इसके अंदर जाऊँ, इन फ्यूचर तो मिल ही जाएगा, मैं तेरे अंदर आके रहूंगा बेटा, कुछ नहीं कर सकता मैं, अंदर पहुंच के रहूंगा कैसे ना कैसे। यहाँ पे आराम से सो के
मस्त क्राउच करके जा सकते, किसी को पता नहीं चलेगा हम यहाँ पे है क्या नहीं। सही है यार, पबजी वालों बहुत काम किया है तुम लोग ने, मानना पड़ेगा। ये क्या आ गया पबजी में, हमें देखना पड़ेगा, जो भी अपडेट आया हमें तो चेक करना ही पड़ेगा। क्या हम इसके अंदर जा सकते? शिट मैन, इसके अंदर भी जा नहीं सकते। अरे बनाया तो दरवाजा तो खोल दो एटलीस्ट जाने के लिए। हाँ दरवाजा खोल दो, नहीं जा सकते यार, मुझे ऊपर जाके एक्सपीरियंस करना था। शिट मैन, साले तुम लोग बनाते क्यों हो जब एंट्री नहीं देनी है तो? हाँ एंट्री तो दो हम लोग को। ये क्या अंडरग्राउंड रास्ता बनाया क्या, यहाँ से मैं गाड़ी लेके अपनी जा सकता हूँ? ब्रिज बना दिया क्या ऊपर से, मैं देखना चाहता हूँ उसको। ये क्या है भाई साहब, ये कुछ नया है, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। यहाँ पर नीचे से गाड़ियाँ भी जा सकती है और हम भी ऊपर से चढ़ के जा सकते हैं। ओह मजा आ गया। क्या मैं ऊपर से गाड़ी लेके जा सकता हूँ? भाई मेरी गाड़ी फट चुकी है, इसके ऊपर से नहीं जा सकती। मैं अभी आ चुका हूँ मिल्टा पावर में, आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम है भाई, ये मौसम देख के मजा आ गया। मैंने अभी जस्ट एक चीज नोटिस की, आपको बताता हूँ, अगर ऊपर एनिमीज है ना तो मैं इसके ऊपर चढ़ के भी जा सकता हूँ। इन लोगों ने काफी ऑब्स्टिकल रख दिया सो दैट अपन एनिमीज के पास पहुंच पाए इजीली, यहाँ पे पहुंच के एनिमीज को मार भी सकता हूँ। अब जी मैं ये जो अपडेट आया, मुझे लगता है इसमें लूट काफी बढ़ गई है, मतलब जहाँ पे भी जाऊँ मुझे अच्छी अच्छी लूट मिल रही है। लेवल 3 का हेलमेट मिल रहा है, DBS मिल रही है, अच्छी अच्छी गन मिल रही है, मतलब मुझे लग रहा है लूट तो बढ़ गई है भाई। यहाँ पे वही लोग आएंगे जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, मैं तो कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आया हूँ। वो अलग बात है कि मैं नूब हूँ, फिर भी यहाँ पे नहीं आया हूँ मैं। दो गन पहले ड्रॉप में मिलती थी, अभी वो ऐसी जमीन में मिल रही है। दिखाऊं आपको कौन सी गन है वो? ये देखो DBS नाम है वो गन का, शॉर्ट रेंज के लिए धमाकेदार गन है। तड़ांग, अगर इससे हेडशॉट गिर जाए ना एक बार, बनता फोर शॉट एक हेडशॉट में मर जाएगा। ऑल राइट, मैं अभी आ चुका हूँ जॉर्ज पुल की दुनिया में, जहाँ पे सिर्फ कंटेनर ही कंटेनर थे, अभी काफी सारे एड ऑन चीजें आ गई है, सीनरी लग गई है यहाँ पे। इसके अंदर जाके देखते हैं क्या चेंजेस है। ओहो कितना बड़ा कर दिया बे, यहाँ पे कितना रस्टी लुक आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है OG मेटल ही है, सच्ची में ही मेटल पे खड़ा हूँ मैं। ये पानी का कलर देखो यार, कितना खूबसूरत लग रहा है, इतना स्वीट पानी, ऐसा लग रहा है पानी को पी लूं लिटरली। वाओ मैन, कंटेनर का लुक भी एकदम रस्टी कर दिया यार, एकदम ओल्ड वाली फील आ रही है, ऐसा लग रहा है इसको जंग चढ़ गया है, काफी टाइम से यहाँ पे ही है ये। जितना मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ नया अपडेट आया, यहाँ पे ये पानी की टंकी लग गई है, पता नहीं क्यों बट लग गई है भाई पानी की टंकी। ओके सो मैं अभी आ चुका हूँ मिलिट्री बेस में, देखते हैं ये लोग ने मिलिट्री बेस में क्या क्या चेंजेस लाए, मैं छोटी से छोटी चीज देखूंगा। ये क्या है, ये पहले नहीं था यहाँ पे, और ये लगाया तो लगाया क्यों है, क्या प्लान है इनका? हाँ कौन से रीजन से लगाया, कवर के लिए लगाया क्या? यहाँ पे कवर लेके आराम से मार सकते हैं लोगों को। आजा बेटा, पट से हेडशॉट, ये हुई ना बात। ओके ये नया अपग्रेड है, इतना पहले ऊंचा नहीं था ये, वेरी नाइस। अभी इसके ऊपर चढ़ के मैं इसके ऊपर भी जा सकता हूँ, क्या बात है भाई क्या बात है। 3-2-1 एंड पट से हेडशॉट। ऑलराइट मैं इसी के साथ जीत चुका हूँ, विनर विनर चिकन डिनर। पबजी वालों ने जो भी अपडेट लाया, जो भी चेंजेस लाया, मुझे काफी पसंद आया, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बाय द वे, कमेंट जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो का वेट करना, टिल देन स्टे ब्लेस्ड।